देखते हैं आज की खास खबर। शिमला का ये इलाका बना नशेड़ियों का अड्डा, पुलिस की छापेमारी में नशे की खेप बरामद। शिमला, राजधानी शिमला का डाउनटाउन इलाका अब अपराध के साथ नशे का गढ़ बनता जा रहा है। डाउनटाउन शिमला का ऐसा इलाका है जहां सुबह से लेकर शाम तक नशे का कारोबार चलता है। शराब से लेकर चिट्टा, स्मैक और अन्य नशा यहां आसानी से मिल जाता है। वही इलाके में सबसे ज्यादा अपराधी रहते हैं, जो आपराधिक मामलों में कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। शिमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते मंगलवार को यह छापेमारी की। एक ढारे में छापेमारी के दौरान पुलिस को शराब से लेकर गांजे के पैकेट और स्मोकिंग पेपर बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस ने बीते महीने में यहां दो महिलाओं और एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। बीते मंगलवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोबारा यहां रेड मारी। मौके पर ढारे में एक लड़की और वृद्ध महिला मौजूद थी। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी। वही जांच के दौरान पुलिस ने ढारे से लैपटॉप और डायरी भी बरामद की है, जिसमें पैसों के लेन देन का हिसाब है। फिलहाल पुलिस डायरी और लैपटॉप को खंगाल रही है। डीएसपी शिमला प्रमोद शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि शिमला के डाउनटाउन इलाके में बीते काफी समय से क्राइम के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इलाके में बहुत समय से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि एसपी शिमला ने इलाके में नजर रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस यहां आए दिन छापेमारी कर रही थी। बता दें कि शिमला के डाउनटाउन में बीते कुछ समय में पुलिस ने 35 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।